किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे कद्दू की भजिया। कद्दू कुमड़ा बोला जाता है, इसको कद्दू बोला जाता है, मखना बोला जाता है, जो भी आपको उपयुक्त लगे वो बोलिए। और मैं इसकी भजिया कैसे बनाते हैं, कुरकुरे भजिया बना के आपको दिखाती हूँ। इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लगेगा वो आपको दिखा रही हूँ। सबसे पहले तो कद्दू को हमने छील लिया, धो लिया, धो के छीला है, छील के हमने बारीक बारीक ऐसे लंबे लंबे पीस को काट लिया है। फिर हमने लिया है आधा पौन कप लिया है बेसन, थोड़ा सा हम लेंगे धनिया पाउडर, हरी धनिया काट के थोड़ी सी डालेंगे, थोड़ी सी हरी मिर्च, थोड़ी सी हम खड़ा जीरा इसमें डालेंगे। खड़ा जीरा से क्या होता है, पचने में भी आसानी होती है। और थोड़ा सा हम हींग डालेंगे, इस हींग डालने से इसका स्वाद भी बढ़ेगा और पेट के लिए हींग बहुत अच्छी चीज़ होती है। थोड़ा सा हम नमक डालेंगे, नमक टू द टेस्ट होगा, आप अपने टेस्ट के अनुसार नमक को कम ज़्यादा कर सकती हैं। चलिए अब हम इसको घोल के दिखाते हैं। थोड़ी सी हम जीरा डाल दिए, हरी मिर्च काट के दो रखे थे वो डालें, थोड़ी सी हरी धनिया डालेंगे, थोड़ा सा हम इसमें डालेंगे पीसी धनिया पाउडर, और अब थोड़ा सा हम डालेंगे इसमें हींग पाउडर, थोड़ा सा हम डालेंगे नमक, नमक टू द टेस्ट होगा, आप ज़्यादा खाते हैं तो ज़्यादा डालिए और कम खाते हैं तो कम डालिए। मैं थोड़ा सा कम डाली हूँ, बाद में टेस्ट करके नमक को ज़्यादा कम किया जा सकता है। अब इसको हम अच्छे से घोल लेंगे और घोल के तेल हम चढ़ा दिए हैं पहले से ही, जो कि गरम अच्छा गरम तेल चाहिए हमें। और उसके बाद इसको धीमे आँच में गरम करके, तेल धीमे आँच में फिर हमें इसको तलना है। और हम हाथ से इसको घोल रहे हैं जिसमें इसमें लम्स ना पड़े। और देखिए इसका घोल इतना ही पतला होगा जिससे हमारा बेसन उसमें लिपट जाए कद्दू के पीस में। और फिर हम इसको एक एक करके तलेंगे, गर्म हो जाए फिर उसको हम आँच को थोड़ा सा धीमा करेंगे, फिर इसमें हम भजिया को डाल के एक एक को और तलेंगे। अब देखिए इसमें हमको ऐसे लपेट लपेट के और इसमें हम डालते जाएंगे। आँच को हम धीमा करेंगे क्योंकि फिर धीमा करने के बाद अच्छे से ये कद्दू हमारा पक जाएगा अंदर से। भजिया अच्छी फूल गई है, इसको हम पलट देंगे और कुरकुरे करारे होते तक हम इसको सेकेंगे। जो जो लाल होते जा रहे हैं उसको हम पलटते जाएंगे। सेकना है और जिससे कुमला अच्छे से पक जाए अंदर, मखना जो है हमारा अच्छे से पक जाए, तब तक इसको हमें सेकना है थोड़ा, और धीमे आँच में लाल होते तक थोड़ा सा सेकना है। इसमें हम बटर पेपर पे इसको निकाल लेंगे जिससे इसका तेल पूरा निकल जाए। देखिए दोस्तों मेरा ये कुंडे की भजिया बनके तैयार हो गई, और नींबू की चटनी के अचार के साथ इसको खाइए, बहुत टेस्टी लगता है ये नींबू का अचार से। आप खाइए, बनाइए, और मेरे चैनल को आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने अनुभव को आप मेरे चैनल में शेयर करिए। ये कद्दू की भजिया है, और उपवास में भी सिंघाड़े के आटे में घोल के हम लोग बनाते हैं कद्दू की भजिया, और बहुत टेस्टी बनती है। उपवास में भी इसका भजिया खा सकते हैं आप लोग बना के, और जिस तरह से मैं बनाई हूँ केवल उसमें सिंघाड़े के आटे का उपयोग करिए आप, और बनाइए खाइए। मून्स किचन में लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने अनुभव को मेरे चैनल में शेयर करिए। चलिए अब हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी